लखनऊ में पंजीयन एवं स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पारिवारिक एकता का प्रमाण स्टाम्प शुल्क में छूट की योजना बनाई है। मोदी और योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। लगभग एक महीने में 50,000 लोगों ने संपत्ति स्थानांतरण किया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्टाम्प शुल्क में छूट आसानी से मिल जाएगी, जनता को इसका काफी फायदा होगा। अखिलेश यादव के सारे साथियों में से जो राष्ट्रद्रोहियों में साथी अधिक है, आजम खां 30 साल पहले 28 साल पहले जब कोर्ट जाते थे तो रिक्शा पर जाते थे, आज आपने किस कमाई से अरबों का संपत्ति इकट्ठा कर लिया है? वो अरबों संपत्ति कहाँ से आया था? तो हमारे देश के अंदर चाहे आईटी हो चाहे अन्य एजेंसी हो, जो करप्शन रोकने के लिए गठित की गई है, उनका अपना काम है, वो काम अपना कर रहे हैं, तो दर्द इन्हें क्यों हो रहा है? जितने लोग इस पर आपको दिखता है कि जो आदमी 30 साल पहले के पास एक मकान में थे, आज वो अरबों करोड़ अरबों रुपये इकट्ठा कर लिए हैं, जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा?